पहले चलते हैं यहाँ से स्टेशन, फिर चलेंगे अपना घर। ये देखो खतरों के खिलाड़ी। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अपना मंदिर और अभी चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं। कैमरा अलाउड नहीं है। सो ही गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वाली व्लॉग की शुरुआत दोबारा से अराउंड कल शूट करा था, थोड़ा बहुत जो भी था वो आज व्लॉग में तुम देख लिया होगा। आई होप अच्छा लगा होगा। मतलब कि 6 बजे आएगा जो अभी तो मैं शेड्यूल पर डाल रखा है, तो अपने आप पोस्ट हो जाएगा और एडिट करना था थोड़ा सा और उसे तो कर देंगे। और फिर अभी आज है हमारा पहला सोमवार और पहला हमारा सावन का पहला दिन। आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि तो बोलेंगे, सावन स्टार्ट हो चुका है, आपको हैप्पी सावन डेज। ये मेरे को पता है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे को पता, लेकिन जो मेरी तरफ से एक्सप्रेस हो रहा है, जो मैं बोल पा रहा हूँ वो यही बोल पा रहा हूँ। और आज देखेंगे आज जो भी सीन हो गया, लेकिन यार कल ना बारिश पड़ेगी ना थोड़ी बहुत, मतलब कि कहीं कहीं ज़्यादा पड़ेगी कहीं कहीं कम पड़ेगी। बस यही दिक्कत है कि ना यार बहुत तेज बफ़ा हो गया है और इतना तेज़ बफ़ा हो गया, घुमस हो गया सारे में, गर्मी गर्मी अभी चल खड़ा गया, इतनी गर्मी लगी खड़े 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 और इतनी भीड़ आज मंदिर में, तो पूछो वैसे इतनी होती नहीं। एक आधा पौन घंटा लग गया जल चढ़ाने में खाली, और जो पूजा करना है उनका तो पूछो ही टाइम लगेगा। तो अभी देखते हैं, जो भी अभी कोचिंग वोचिंग में जाना है और आज मैंने भी रखा व्रत, तो देखते हैं कैसे सर्वाइव हो पाता है, क्योंकि मेरे को लगी रहती है भूख खाने के लिए, बट कर लेंगे आज। सो ही गाइस अभी जस्ट अपना निकले हैं कोचिंग के लिए। भाई सब दीवार तोड़ रही मकान की, थोड़ा मिलवा गिर रहा था, पहुँचते जल्दी से कोचिंग थोड़ा सा लेट हो गया, और हम 10:05 हो गए यहीं पर ही, पहुँचते 10:10 हो जाएंगे ऐसे, अब जल्दी पहुँचता हूँ। वरना कल पावर पॉइंट कराया था उसमें बड़ा सा काम था, आज वो सारी प्रैक्टिस करनी है, वरना भूल जाऊँगा जो भी याद है। तो ही गाइस अपना आ चुके थे अपना कोचिंग से, और अभी अभी जस्ट अपनी चाची को छोड़ा उनकी लोकेशन है पीछे, और मौसम देख रहे हो क्या ही जेन्युइन मौसम हो रहा है भाई, मज़ेदार हवा चल रही है, ठंडी ठंडी कई बारिश हो रही है। और ये हमारा GTV का पार्क आ गया, इसमें पहले जाया करते थे, अब इन्होंने बाउंड्री और दीवार लगा दी, अब दीवार कूद नहीं सकते, ऊंची कर दी काफ़ी, और मौसम एकदम जैनमैन हो रहा है। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हो रही व्लॉग की शुरुआत सीधा अपना रोड से गली से, और ये दिस इज़ डे 2 है। कल मैंने कुछ शूट नहीं किया था, खाली कोचिंग गया था तो वही शूट किया था, आज फिर से कोचिंग ही जा रहा हूँ। खैर कोचिंग तो रोज़ ही जाना पड़ता है। और अपना अब पावर पॉइंट ख़त्म हो गया, कल उसकी प्रैक्टिस करी थी, अराउंड 5 पेज तो बन गए थे, आज जो भी पेज बचेंगे वो बनाने हैं। यार थोड़ी सी भी बारिश हो जाए ना दिल्ली हमारे सड़कों पर वो हो जाता है, तुम्हारे भी पड़ जाता है क्या पानी, देखो ये देखो बहुत ज़्यादा पानी भर जाओगे, फिर साइड साइड से बच बच के निकलना पड़ता है। तुम्हारे को दिखाता हूँ कैसे निकलते हैं, ये मानी में चलो चलते हैं सीधा कोचिंग, कोचिंग मिलेंगे। सो ही गाइस अपना निकल चुके हैं कोचिंग से तो मतलब कि हो गए 5 मिनट, तो घर ही पहुँचने वाला हूँ जस्ट। और ना यार एक दिक्कत हो गई, साला कल फीस भी देनी है, ऊपर से यार सब प्राइस टेस्ट ले लिया, वो भी 5-5 चीज़ होगा, MS पेंट और नोट पेंट में तो खैर कुछ है नहीं, विनवर्ड में MS वर्ड में, और MS पेंट तो हो गया, एक्सेल और पावर पॉइंट और कुछ ऐसी रन कमांड्स हैं वो भी हैं, तो वही ये देखो क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी मेरे को आज अच्छे से, वरना तो बेसिक का टेस्ट में तो बिना नंबर अच्छे नहीं आया तो फिर साला डिप्लोमा में भी जो आता है सही नहीं आएगा, मतलब कि जो होता है ना ग्रेड जो मिलते हैं वो सही नहीं मिलेंगे। चलो कोई नहीं अभी चलते हैं, पहले थोड़ा अपना रेस्ट वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद अपना प्रिपरेशन कर लेंगे थोड़ी बहुत, आज सही से व्लॉग ज़्यादा शूट होना जो भी है मैं शूट करके डाल देता हूँ। और गाइस अभी आए थे अपनी चाची को छोड़ने के उनकी लोकेशन पे, और यहाँ देख रहे हो लाइटिंग लग गई है, तो आज से मतलब कि कल से सावन स्टार्ट हो गए थे ना, कल सोमवार था पहला और आज हमारा है ट्यूजडे। आई होप कि मंदिर जाना हो सकता है अगर कोई चलेगा तो कावड़ियों के लिए फुल मतलब कि जोरों शोरों से काम चल रहा है, टेंट वेंट लगा दिए और हल्की हल्की बारिश आ रही है, बहुत हल्की हल्की दिख रहा होगा तुम्हारे को कैमरे में, जस्टिस हो रहा होगा। सो ही गाइस वेलकम बैक, अभी जस्ट अपना रूम से निकले हैं, लंच वंच हो गया था, और आज हमारे साथ हमारे विनायक भाई, आज कल उन्होंने कुछ ज़्यादा ही वो कर ली थी मशक्कत, तो तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए सुबह मंदिर नहीं जा पाए, इसलिए अभी जा रहे हैं। अराउंड बज रहे हैं 4:15 हो रहे हैं, तो अपना मतलब कि 4:43 की ट्रेन है,
तो जल्दी से पहुंचते हैं। इधर से क्या जा रहे हैं, रिक्शे से जाना है तो रोड से ही चल रहे हैं, पास पड़ जाएगा। ये लड़का नंगा आ गया। फिर तो गाइस अभी अभी ना अपने रिक्शे से तो उतर चुके हैं और जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। अराउंड 5 से 10 मिनट में अपनी ट्रेन भी आने वाली है। और भाई जो रिक्शे में बैठ के आए ना, अभी तुमने क्लिप देखी छोटी सी की रिक्शे में बैठे थे, जिस रिक्शे में बैठ के माँ कसम भाई को पता नहीं कैसे जोश आ गया, क्या दिमाग घूम गया। ये लंबे लंबे कट, ये गहरे गहरे कट, मेरी तो हालत खराब हो गई। पता लगा साला बैटरी रखे पलट पलट आना जाए, है ना भाई। बड़ा डल मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस या हो 80 साल का, एक बारी कोई चूक हो जाए तो निकल जाता सारा। भाई देख रहा पता नहीं क्या ऐसा। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं और भोले भी निकल चुके हैं, डाक कावड़ और कावड़ ले निकले बाहर गोरे भोले। भाई साहब एकदम स्पीड पकड़ ले भाई, कभी भी यहाँ से वीडियो बनाओ ना दूर से बनाओ, बंदे हाथ मार देते हैं। ये जी हाँ नहीं वो वाली लेट जाएगी, ये वाली आधी नहीं चल गई बिल्कुल। भाई बिल्कुल ना भगते भगते आए, ये तो पसीना पसीना हो गया और मेरे से पीछे था, बल्कि मैं एकदम से आगे हो गया इससे यार। और निकल चुके ट्रेन चुके हैं अपना मंदिर और अभी चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं। कैमरा अलाउड नहीं है, थोड़ा बाहर तक ही शूट कर सकते हैं बस। ओ भाई साहब इतनी तेज हॉर्न मारा, आ रहा हूँ गाइस। अपना मंदिर के दर्शन तो हो गए, मंदिर अपना उधर की साइड दिख रहा होगा, तो अब इससे चलते सीधे स्टेशन अपने घर की ओर और फिर चल देंगे। ओह पहले चलते हैं यहाँ से स्टेशन, फिर चलेंगे अपना घर। देखो खतरों के खिलाड़ी